तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे। मैं रोहित आप सभी के साथ। तो देखिए, आप सभी के सामने मैंने इस जगह बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। मार्केट में लगातार हमको सेलिंग होते हुए दिखाई दे रही है और यहाँ पे देखिए कुछ लेवल के बारे में मैं आज के दिन बात करने वाला हूँ और बात करने वाले हैं कि मार्केट में कल के दिन कैसी ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है, कहाँ पे कॉल और कहाँ पे पुट बाइंग करना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए हम बड़े चार्ट पे बात करते हैं, जो कि मैंने आपके लिए सभी के लिए देखिए वन डे का चार्ट ओपन किया है। देखिए वन डे के चार्ट पे एक एक चीज क्लियर हो जाती है, क्योंकि हमको सबसे पहले देखना होता है कि हमारा बड़ा व्यू क्या कह रहा है और फिर बड़े व्यू को साथ लेके फिर हमको इंटरडे में काम करना चाहिए, जैसा कि मैं आप सभी को सिखाता हूं। और देखिए मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि इस जगह देखिए मार्केट ने आज इस जगह 38,500 के नीचे क्लोजिंग दिया है। अब देखिए जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा वो समझ चुके होंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला है कि 38,500 के नीचे आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है। देखिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर कुछ कॉल दिए थे आप सभी को और यहां पर देखिए काफी जबरदस्त प्रॉफिट हमको देखने को मिला और इसका सबका लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूं आज की वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखते रहिए, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल का तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसको जाके भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए मार्केट में दो तीन चीजें मैं आपको यहां पर क्लियर करना चाहूंगा और काफी अच्छे से क्लियर करना चाहूंगा। देखिए आप सभी को याद होगा कि मार्केट ने देखिए एक जगह से देखिए कंटिन्यू तेजी दिखाया था और मैंने आपसे बोला था कि जब भी मार्केट देखिए कंटिन्यू तेजी दिखा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब भी मार्केट देखिए इस लेवल को अगर नीचे की साइड ब्रेक कर देता है, जो कि मैं इस जगह लिखना चाहूंगा 40,600 के लेवल को अगर ये नीचे की साइड ब्रेक कर देता है तो उसी दिन से आप बिल्कुल बेरिश हो जाइए, यानी आप देखिए मार्केट में पीई में काम करना चालू कर दीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर जा रहा था तो लेकिन यहाँ पे जो कैंडल बनते हुए दिखाई दे रही थी वो काफी छोटी छोटी कैंडल बनते हुए दिखाई दे रही थी, यानी मार्केट में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मार्केट को ऊपर देखिए कहीं ना कहीं एक प्रेशर के साथ ले जाया जा रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मार्केट में ऊपर के लेवल पे मार्केट आवर्स में देखिए जो आपके एफआईएस है वो कंटिन्यू सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अमेरिकी मार्केट से तो आपको देखिए प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके वजह से अगर आप देखो तो यहाँ पे कितना बड़ा कैंडल देखिए बनते हुए दिखाई दे रहा है, यानी हर कैंडल में देखिए आपको सेलिंग ही दिखाई दे रही है। एक कैंडल भी आपको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि जिसमें आपको देखिए ग्रीन दिखाई दे रही हो या ग्रीन कैंडल बना हो, एक भी ऐसा कैंडल बना ही नहीं है कि मार्केट में कहीं ना कहीं देखिए मार्केट में एक सपोर्ट बनना हो ग्रीन कैंडल का, उसके वजह से देखिए मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग आपको दिखाई दे रही है। अब चलिए बात करते हैं कि इस जगह मैंने आपको जो बताया था कि 38,500 के नीचे जाता है तो इसके नीचे जाने पर हम बिल्कुल पीई बाइंग करेंगे और मार्केट में अगर ऊपर के लेवल पर भी मिलेगा तो हम पीई बाइंग करेंगे। आज के देखिए इसने जो लो मारा था वो इस जगह 38,180 के समथिंग का लो मारा था, यानी अगर आप ऊपर के लेवल से देखोगे तो ऊपर के लेवल से देखिए 320 पॉइंटों के समथिंग का बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिली पीई के अंदर और आज काफी लोगों ने पैसा बनाया है। देखिए काफी अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि आगे हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए अब इसका लो क्या दिखाई दे रहा है, इस जगह 38,180 का दिखाई दे रहा है। इसका लो क्या है, 38,180 का दिखाई दे रहा है। अगर ये 38,180 के नीचे चला जाता है कैसे जाना चाहिए भाई, कंसोलिडेट करके। हमारा तो सिंपल सा फंडा है, 5 मिनट का चार्ट लगाइए, 5 मिनट के चार्ट पर ये नीचे आता है थोड़ा कंसोलिडेट करता है और 38,180 को नीचे की साइड ब्रेक कर देता है तो इस लेवल पे भी हम क्या बाइंग करने की कोशिश करेंगे, हम पीई बाइंग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सिंपल सा। क्योंकि ये वाला जो लेवल है ना इसके नीचे आपको जाना चाहिए, इस तरीके से कंसोलिडेट करके जाना चाहिए, तो हम इस पे पीई बाइंग करके चल सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं टारगेट की क्या। तो टारगेट पे देखिए, टारगेट बताने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें और बताना चाहूंगा कि मार्केट में एक जगह वॉल्यूम आप देखोगे तो वॉल्यूम भी आपको काफी अच्छा खासा देखिए देखने को मिलेगा सेलिंग के साथ। और देखिए मैंने टेलीग्राम चैनल पर एक चीज आपको पब्लिश किया था, यहाँ पे देखिए मैं आपको वो भी बताना चाहूंगा। मैंने कल एक टाइटल दिया था कि 1,000 पॉइंटों की सेलिंग आ सकती है, 1,000 पॉइंटों की सेलिंग आ सकती है, जो मैंने कल का टाइटल दिया था, ठीक है। लेकिन आज के दिन अगर आप देखोगे ना बाबूजी, इस जगह मैं आपको दिखाना चाहूंगा 760 पॉइंटों की सेलिंग आपको देखने को मिली। सिर्फ इसमें जो आपको सेलिंग कम दिखाई दे रही है वो 250 पॉइंटों की कम दिखाई दे रही है, पूरे 1,000 पॉइंट हो जाते हैं इसमें कंप्लीट। तो लोगों को क्या फंडा है, लोगों का फंडा इतना है कि भाई मार्केट इस जगह देखिए 1,000 पॉइंट नीचे गिर चुका है और नहीं जा सकता, 2,000 पॉइंट गिर सकता है और नहीं जा सकता, पूरा रिटेल इन्वेस्टर का पैसा खत्म कर देता है। वो लोग है ना देखिए यहाँ पे कॉल बाइंग कर करके बैठे, कॉल बाइंग करके बैठे। देखिए बाइंग करना गलत बात नहीं है, बाइंग कीजिए, लेकिन एक ऐसा
सेल नाम का भी चीज होता है ना भाई, उसको लगाइए, कुछ नहीं तो 20 बाउंड्री लगा लीजिए भाई, अपनी गलती मान लीजिए, बाकी आपकी जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उस अपॉर्चुनिटी के अंदर जाइए, लेकिन नहीं करना है भाई। क्या है, बहुत पैसा है लोगों के पास लॉस करने के लिए, तो ऐसे काम नहीं चलता, उनका लॉस ही होता है। ठीक है, तो 38,180 के नीचे जाता है, हम पीई बाइंग करेंगे। फिर टारगेट की बात कर लेते हैं। जगह पहला टारगेट देखिए जो हमको देखने को मिलेगा वो 38,100 का देखने को मिलेगा, दूसरे टारगेट की बात करें तो 38,000 का देखने को मिलेगा, और लास्ट टारगेट की बात करें तो 37,900। देखिए अब 37,900 तक का देखिए टारगेट अब आने लगा है, यानी एक और सीरीज इसके अंदर ओपन हो चुका है। लाइक का टारगेट की अगर हम बात करें, कल मेरे को किसी ने कमेंट किया था कि वीडियो पर 200 लाइक आते हैं और आप हमेशा बात करते हैं 2,000 लाइक, तो देखिए आप लोगों की कमी है जो आप लाइक नहीं करते, लेकिन मैं तो देखिए इस जगह 2,000 ही लाइक का लिखूंगा, क्योंकि देखिए मैं लिखता हूं आपको कंप्लीट करना चाहिए, आपको प्रॉफिट हो रहा है तो कंप्लीट करना चाहिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब मैंने आप सभी के सामने एक जगह ऑप्शन चयन ओपन किया, दो दिन के बाद आपको एक्सपायरी आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि आज के दिन 27 तारीख है और 29 तारीख की आपको एक्सपायरी देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पे क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो फ्यूचर में जो आपको क्लोजिंग देखने को मिल जाती है वो इस जगह देखिए 38,600 की आपको यहाँ पे फ्यूचर के अंदर क्लोजिंग दिखाई दे रही है। कितनी दिखाई दे रही है, 38,600 की आपको फ्यूचर के अंदर दिखाई दे रही है। हमारा सपोर्ट क्या था, हमारा सपोर्ट है इस जगह 38,500 का सपोर्ट है। इसके नीचे तो आपको सेलिंग ही करना है, क्योंकि इसके नीचे फिर मार्केट जाता है तो आपको फिर से आराम से 300 से 400 पॉइंटों या 450 पॉइंटों की सेलिंग आराम से देखने को मिल जाती है। इतनी तो आराम से आपको सेलिंग देखने को मिल जाएगी। अब देखिए सपोर्ट हमारा कहाँ पे है भाई, हम सीई कहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, तो 38,000 पे हमारा देखिए एक अच्छा खासा सपोर्ट है। इस लेवल पे हम कहीं ना कहीं सीई बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर इस लेवल पे मिलता है तो एक बार अटैम्प्ट पे आपको फर्स्ट अटैम्प्ट पे यहाँ पे मौका जरूर लेना चाहिए। रेजिस्टेंट की बात करते हैं, रेजिस्टेंट कहाँ पे, तो रेजिस्टेंट तो देखिए यहाँ पे 39 के आसपास का देखिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंट है, क्योंकि 30 लाख के समथिंग का यहाँ पे शेयर आपको शॉर्ट दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर जाता भी है तो आपको सेलिंग देखने को मिलेगा। कल भी मैंने आपको क्या बोला था, मार्केट ऊपर ओपन होता है तो उस ओपनिंग में हम कहीं ना कहीं पीई बाइंग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सीई बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के उसमें से निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमको पीई बाइंग करने पर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। मॉर्निंग में भी हमने सीई बाइंग किया, छोटा सा अपॉर्चुनिटी लेके हम निकल गए, लेकिन जब हमको इस जगह पीई में प्रॉफिट बना तो जबरदस्त बना, जो सीई का लॉस था वो भी रिकवर हो गया। तो सिंपल सा है, रिस्क को मैनेज करके काम कीजिए, पैसा तो आराम से बनता है। कि जैसे कि हमने ऑप्शन चेन के डेटा पे देखा तो हमको वहाँ पे 38,000 के समथिंग का सपोर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए डेटा और एक जगह देखिए चार्ट, आपका दोनों चीज़ों को अगर आप देखो तो थोड़ा अलग अलग चलता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल सेम ऐसा नहीं है कि भाई आपको बिल्कुल आँख बंद करके उस पर बिल्कुल वो काम करना है। ठीक है, हम इसमें चार्ट पे क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, देखिए डेटा पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, डेटा पे हमको दिखाई दे रहा है कि भाई 38,000 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट है इस जगह, लेकिन हम क्या करते हैं, हम थोड़ा और नीचे जाते हैं 37,800। ठीक है, 37,800 पे हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं सीई बाइंग करने की। अब इसमें हमने क्या किया है कि जो आपका सपोर्ट है उस सपोर्ट से हमने 200 पॉइंट और माइनस कर लिया है। क्या किया है हमने, सपोर्ट से 200 पॉइंट हमने और माइनस किया है। अब देखिए होता क्या है कि जब मार्केट नीचे की साइड आ रहा है, कंटिन्यू नीचे की साइड आ रहा है, तो वो आपके सपोर्ट पे आके नहीं रुकेगा, वो थोड़ा आगे पीछे जाएगा और फिर जाके रुकेगा और फिर एक मूव देता है ऊपर की साइड। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो मार्केट आपके लेवल पर ही आके रुकेगा। इसलिए हमने क्या किया है कि जो हमारे SL हिट हो सकते थे या SL देखिए लग सकते थे उसमें हमने थोड़ा और कंफर्टेबल ले लिया है। ठीक है, तो हम किस पर बाइंग कर सकते हैं, 37,800 के लेवल पे अगर मिलता है तो सीई बाइंग करने की चांस हम ले सकते हैं। ठीक है, बस कंडीशन इसमें इतना सा है कि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, हमको 5 मिनट का चार्ट देखना है और 5 मिनट के चार्ट पे इस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर ही रहना चाहिए, तो हम बिल्कुल सीई बाइंग करके चल सकते हैं। एक एक चीज को देखिए मैं समझा रहा हूं, अगर आप समझोगे नहीं तो आपका लॉस है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं जगह टारगेट की। तो पहला टारगेट की हम बात करते हैं, अगर हम 37,800 के समथिंग बाइंग करते हैं तो पहला टारगेट तो हमको देखिए 37,900 का देखने को मिलेगा। फिर इस जगह देखिए हमको जो दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा वो 38,050 का देखने को मिलेगा, और लास्ट टारगेट की बात करें तो 38,150 का देखने को मिलेगा। यानी हम इन टारगेट के लिए मार्केट में काम कर सकते हैं, काफी इजी है। देखिए नीचे की साइड मिलता है, आराम से
इन टारगेट के लिए काम कीजिए, लेवल आपको बताइए और पोजीशन मैंने आपको बता ही दिया कि किस लेवल पे हमको बाइंग करना है। बाकी देखिए मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन होना है तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए एंजल जडोदा अपस्टॉक एलएसब्लू आईआईएफएल के साथ और ज्वाइन हो जाइए हमारे पेड ग्रुप में, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक के अपडेट आप सभी को दिए जाते हैं। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल का, और लिंक आपको अकाउंट ओपन करने के भी दिए गए हैं। अब चलिए बात करते हैं इसका लॉजिक भी मैं आपको समझाता हूँ कि इस लेवल पे हमने देखिए बाइंग करने का डिसीजन क्यों लिया है। देखिए आपको सभी को पता होगा कि मार्केट कुछ समय पहले देखिए यहाँ पे लगातार आपको रुकता हुआ दिखाई दे रहा था और जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो बिल्कुल मार्केट ने देखिए इस लेवल पर काफ़ी बार रेजिस्टेंस लिया था। और मार्केट का देखिए रूल क्या कहता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो आने वाला क्या हो जाता है, सपोर्ट हो जाता है। आने वाला क्या हो जाता है, सपोर्ट हो जाता है। और जो सपोर्ट होता है वो आने वाला क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे वैल्यू आपकी चेंज हो चुकी है, जिसके वजह से देखिए हम इस लेवल के आसपास बाइंग करेंगे सीई, और पहला दूसरा और तीसरा टारगेट हमको देखने को मिलेगा। कि अगर मार्केट आपको ऊपर की साइड मिलता है तो ऊपर की साइड हमको किस लेवल पर सेलिंग करके चलना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट आपका ऊपर नीचे ही ओपन होगा, ऊपर भी ओपन हो सकता है, ऊपर भी तेजी आ सकती है। अगर तेजी आती है तो उस तेजी में हमको सेलिंग करने की अपॉर्चुनिटी देखना है, ठीक है। तो ऊपर के लेवल पर हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए ऊपर के लेवल पर मुझे एक ही लेवल काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, जो कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो अपने करेंट प्राइस से वो कम से कम 1000 पॉइंट आपका ऊपर का लेवल है, 1000 पॉइंट आपका ऊपर है। 1000 पॉइंट हम ऊपर की साइड सेलिंग कर सकते हैं। किस लेवल पे, देखिए यहाँ पे मैं जो लेवल आपको दिखाना चाहूंगा इस जगह मैं थोड़ा ड्रॉ आपके लिए कर देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ 39। देखिए यहाँ पे मैं लिखना भी चाहूंगा 39600 के लेवल पे अगर मिलता है तो इस लेवल पे हम पीई बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं, यानी हम इस लेवल पे पीई बाइंग करके चल सकते हैं। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या होगा, तो कंडीशन चलिए मैं इस जगह आपको समझाता हूँ। देखिए मार्केट आपका ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, मार्केट आवर्स में ऊपर जा रहा है, ठीक है, जाने दीजिए, इस लेवल तक जाने दीजिए 39600 तक जाने दीजिए। फिर उसके पास आके रुका, थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर नीचे इसने गया ना, इसने अपने लो को ब्रेक किया ना इस जगह, तो हम इसके लो के नीचे सेलिंग करके चल सकते हैं। पहला कंडीशन तो ये है कि मार्केट अब इसमें ऊपर की साइड जा रहा है। दूसरा कंडीशन आपको ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट में ओपनिंग ही ऊपर की साइड हो गई, गैप के साथ ओपन हो गया भाई ऊपर की साइड। तो गैप के साथ ओपनिंग में तो फिर मैं अब आपको टेलीग्राम चैनल पर पब्लिश कर ही दूंगा, ठीक है। तो अगर गैप के साथ ओपन होता है तो 5-10 मिनट उसमें रुकते रहिए, ठीक है, 15-20 मिनट उसमें रुकिए, और फिर जैसे इसमें जे वाला कंडीशन बनता है तो हम उसमें भी सेलिंग करके चल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए जे तो मैंने आपको बता दिया कि किस कंडीशन में भाई ऊपर ओपन हुआ, कंसोलिडेट किया, नीचे आया 5 मिनट के चार्ट पे, किसके चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे। कंडीशन एक है इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, बस इसके ऊपर जाएगा तो फिर बुलिश हो जाएगा ना, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब ये हमने सेलिंग करने का डिसीजन क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे गैप है, मार्केट एक तो इस गैप को फिल कर देगा, फिर नीचे की साइड कंटिन्यू एक काम करना चालू करेगा, तो इसमें एक गैप है उस गैप को भी फिल करेगा, तो उसके बाद फिर हम सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा देखिए टारगेट क्या होगा, अब इसमें टारगेट बड़े होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टारगेट बड़े मिलेंगे इसमें, ठीक है। देखिए पहला टारगेट तो आपको इस जगह मैं बगल में ही देना चाहूँगा, 39500 का पहला टारगेट होगा, ठीक है। दूसरे टारगेट की बात करें तो इस जगह देखिए 39300 का देखने को मिलेगा, और लास्ट टारगेट की बात करें तो 39100 का देखने को मिलेगा, यानी टोटल टारगेट जो आपके बनेंगे वो 500 पॉइंटों के देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रिस्क आपका छोटा है, स्टॉप लॉस आपका छोटा है और प्रॉफिट आपका बड़ा है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।